Assalamu alaikum, dear students. Today being the 27th of May 2021, this is class 6th, subject general English, topic language verb, part 2nd. Yesterday we have completed its first part, that is first part of language verb. Today we are going to discuss it is second part. This second part is related to compound words. This is on page number 33. Prophet Muhammad, peace be upon him. तो पहले हम देखेंगे what compound words are. Usually हम देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो वर्ड्स को मिला के एक कंपाउंड वर्ड बनता है, यानी जब कहीं पर भी दो वर्डों को मिला के कोई बड़ा वर्ड बनता है, सो दैट वर्ड इज नोन एज कंपाउंड वर्ड. तब लिख में अ वर्ड फॉर्मड व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर टू यील्ड अ न्यू मीनिंग. तो जब दो वर्ड्स को मिला के कंपाउंड वर्ड बनता है, तो अगर उसकी मीनिंग टोटली डिफरेंट होती है, यानी अगर हम इंडिविजुअल वर्ड्स की तरफ देखेंगे, अगर हम उन दो वर्ड को अलग अलग देखेंगे, एक वर्ड की मीनिंग एक है, दूसरे की दूसरी मीनिंग है, लेकिन जब हम इनको मिलाएंगे, कंपाउंड वर्ड बनाएंगे, तब उस कंपाउंड वर्ड की मीनिंग दूसरी हो जाती है. दैट इज वाई वी कैन से दैट अ वर्ड फॉर्मड व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर टू यील्ड अ न्यू मीनिंग. सो सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स. तो ये जो कंपाउंड वर्ड्स है, इनको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं. वी कैन राइट दीज आर रिटन इन थ्री वेज. कंपाउंड वर्ड्स आर रिटन इन थ्री वेज. फर्स्ट वन इज ओपन कंपाउंड वर्ड्स. ओपन कंपाउंड्स या ओपन कंपाउंड वर्ड्स, यानी कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये कंपाउंड वर्ड जो होते हैं, इनको हम ओपन, यानी दीज आर स्पेल्ड टू एज टू वर्ड्स. कुछ साथ आसान ज वर्ड एम आई रलमित कंपाउंड वर्ड एम आई कि तुम हेको स्पेल अलग अलग कर. मिसाल आइस क्रीम गुज वर्ड रल, लेकिन दोनों की स्पेलिंग हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं. दे आर स्पेल्ड एज टू वर्ड्स. आइस क्रीम, फुल मून, लिविंग रूम, डिनर टेबल. सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द कंपाउंड वर्ड्स. दिस वे इज नोन एज ओपन दीज वर्ड्स आर नोन एज ओपन कंपाउंड्स. देन सेकंड वन इज क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स. दूसरा तरीका है हम इनको क्लोज करके लिखते हैं, यानी सिंगल वर्ड बना के लिखते हैं. यहाँ पर हमने इनको अलग अलग लिखा था, फिर अलग अलग हमने इनको स्पेलिंग भी की थी, स्पेलिंग भी इनकी हमने अलग अलग की थी, इनको हमने प्रोनाउंस भी अलग अलग किया. लेकिन दूसरा कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उनमें ऐसा दे आर ज्वाइंड टू फॉर्म सिंगल वर्ड्स. वेन द कंपाउंड वर्ड वेन टू वर्ड्स आर ज्वाइंड टूगेदर एंड to form a single word, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहेंगे क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स. मिसाल डोर नॉब, नोटबुक, सुपरमैन, बुक स्टोर, फायरमैन, उनके एग्जाम्पल क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स. ठीक है सर. तो कभी तीसरा तरीका यह है कि हम इन दो वर्ड्स के दरमियान हाइफन डालते हैं, डैश डालते हैं. सो दोज कंपाउंड वर्ड्स आर नोन एज hyphenated compound words. Hyphenated compound words. यानी when two words are joined by a hyphen, so such type of compound words are known as hyphenated compound words. मिसाल के तौर पर long term, बीच में क्या है hyphen, brother in law. So ये भी compound words है. तो यहाँ पर दो words मिला के हैं, लेकिन इनके बीच में hyphen है, तो ये compound word है. कौन सा टाइप है, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड. यहां पर तीन वर्ड्स को मिला के एक कंपाउंड वर्ड बनाया गया है. वर्ड फॉर्मड व्हेन टू आर मोर वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर. ब्रदर इन लॉ, लेकिन दोनों इनके बीच में ये हाइफन है. सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड्स आर नोन एज हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. वो कैसे गोबर अस किताब पे कॉलम कॉलम ए में एक वर्ड दिया गया है, कॉलम बी में दूसरा वर्ड दिया गया है. तो इनको हमें मिला के कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं. मिसाल के तौर पर पहला है वॉकिंग,
ए में पहला है वा किंग, दूसरा है फीचर, तीसरा वर्ड है ब्लड, चौथा है कॉटन, फिफ्थ वन इज फ्लावर, सिक्स्थ वन इज वाइल्ड एंड सेवंथ एंड लास्ट वन इज डेड। तो इस वाले में है फिर प्रेशर, PRESSURE प्रेशर, लाइफ, थर्ड वन इज स्टिक, फोर्थ वन इज फिल्म, सिक्स्थ वन इज रोल, अक्र, फिफ्थ वन इज रोल, सिक्स्थ वन इज रोम एंड सेवंथ वन इज वेस। तो हमें क्या करना है, हमें कॉलम ए की तरफ देख के इसके साथ दूसरा वर्ड बनाना है, वो हमें कॉलम बी से ढूंढ के लाना है, तो ताकि यह एक मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। मिसाल के तौर पर वॉकिंग, ये और वोमत वॉकिंग सिटिक, वॉकिंग सिटिक वो बनाया अस वर्ड वॉकिंग सिटिक, वो गुक वर्ड क्या बनाया अस ये मैं थप लिखित वॉकिंग सिटिक, तो हमारा एक कंपाउंड वर्ड बन गया वॉकिंग सिटिक। फीचर, फीचर्स वो तो आम तू शा फिल्म उषा टीवी उषा बात क्या बनाते हैं, दिस इज हिंदी फीचर फिल्म, फीचर फिल्म, तो फीचर के साथ क्या आएगा फिल्म, फीचर फिल्म, FETURE फीचर फिल्म। इसी तरह है ब्लड, वो ये सा ब्लड प्रेशर, इसके साथ क्या मिल जाएगा ब्लड प्रेशर, तो हमारा थर्ड कंपाउंड वर्ड आएगा ब्लड प्रेशर। इसी तरह हमारा है कॉटन, कभी कोई जख्मी होता है तो हम तो वहां से कॉटन रोल लेके आना, कॉटन रोल, तो हमारा फोर्थ कंपाउंड वर्ड बन जाएगा कॉटन रोल। इसी तरह है फ्लावर, गमलन क्या चीज बना फ्लावर वेस, शाबाश, तो ये बन जाएगा हमारा फ्लावर वेस। इसी तरह वाइल्ड लाइफ क्या बन जाएगा, सेवंथ बन जाएगा, 1, 2, 4, 5, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बन जाएगा वाइल्ड लाइफ, लास्ट डेड रूम, बेडरूम, द रूम वायर वी यूजली स्लीप, डेड रूम। तो ये हमारे कॉलम ए को मिला के कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाने के कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाने के बाद हमारे पास ये कंपाउंड वर्ड्स आ गए, वॉकिंग स्टिक, फीचर फिल्म, ब्लड प्रेशर, कॉटन रोल, फ्लावर वेस, वाइल्ड लाइफ, बेड रूम। तो ये आप अपनी कॉपी पे उतारिएगा, तो इसके अलावा आप चंद और वर्ड्स इसमें ऐड करना जो कि कंपाउंड वर्ड्स होंगे। तो ये था हमारा आज टॉपिक सेकंड, टॉपिक लैंग्वेज वर्क पार्ट सेकंड, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको अपनी कॉपी पे भी लिखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।